अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन तबस्सुम है। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ ईद मिलाद स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मोटे तले का बर्तन लेना है हमें। तो 1 लीटर दूध जो है ना मैं गर्म करने के लिए रख दी ताकि दूध में एक उबाल आए, तब तक हम जो है ना चावल वगैरह पीस कर रख लेंगे। एक उबाल आने तक हम इसे रख देंगे ऐसे ही। तो चलिए अब हम चावल पीस लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैं चावल ली, इसको ना भिगा के रख दी थी 1 घंटा पहले। आप कौन सी भी चावल ले सकते हैं, बासमती या डेली घर में इस्तेमाल करने वाले चावल जो भी हो आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से 12 बादाम भी है, ये भी मैं आधा घंटा पहले भिगा के रखी। और ये है सूखा नारियल कद्दूकस करके, और काजू बादाम है ड्राई फ्रूट्स में, और चिरौंजी है। मैं इन सबको है ना घी में फ्राई करके रख ली थी साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चावल में जो है ना 6 इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं चावल के साथ ही इलायची को पीस लूँगी। तो एक जार ले लेंगे हम, जार में जो है ना चावल और इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको दानेदार खीर चाहिए तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा यानी कि दरदरा पीसें। तो मैं यहाँ पर बारीक पीस रही हूँ। तो हम पानी डालकर अच्छे से बारीक पेस्ट पीस लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो बादाम को भी है ना थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं दूध की तरफ। दूध जो है ना उबाल आ चुका है दूध में। फुल फैट दूध लेना है हमें खीर बनाते वक्त, ये ख्याल रखें। अगर फुल फैट दूध नहीं मिला तो आप इसमें खोवा भी डालकर टेस्टी बना सकते हैं, या दूध का पाउडर भी जो मिलता है ना मिल्क पाउडर वो भी डाल के आप बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावल का जो आटा हम पीसे थे डालेंगे। अच्छा हम पकाते वक्त जो है ना लो फ्लेम पे ही बनाएंगे खीर। एक हाथ से हम चम्मच चलाते हुए आटा जो है डालेंगे। हमें चम्मच को रोकना नहीं चाहिए, मिलाते ही रहना चाहिए। अगर आप 2-3 सेकंड के लिए रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, पर अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो नीचे जो है ना लग जाएगी खीर, जल जाएगी और टेस्ट भी जो है ना बिगड़ जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है और हमें चम्मच चलाते रहना है। तो फुल फैट दूध है ये, तो इसमें जो है ना हम डालेंगे अब ये जो ड्राई फ्रूट्स है, मैं इसमें के आधे डाल रही हूँ, आधे जो है ना सजावट के लिए रखूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स खीर बनते हुए। मैं चम्मच चलाते जा रही हूँ ऐसे ही। अगर आपकी खीर गाढ़ी हो रही है तो परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर दूध है तो दूध भी मिला सकते हैं आप उसी वक्त। ये देखिए अभी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है खीर। तो अब हम डालेंगे पीसे हुए बादाम, उसको भी हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अब हमें बहुत ही चम्मच ऐसे ही चलाते रहना है इत्मीनान से। हम तब तक इस खीर को पकाएंगे जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए अच्छे से, थिक ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं खीर जो है ना गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तब हम इसमें डालेंगे शक्कर। अच्छा शक्कर डालने के बाद जो है ना खीर थोड़ी सी पतली हो जाती है फिर से। तो फिर से हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक। खीर बनते हुए है ना टाइम लगता है, तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है खीर बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह खुशबू भी है ना बहुत ही अच्छी आ रही है, अच्छे से पक भी रही है आप देख सकते हैं। तो जब भी हम खीर बनाएं हमें लो फ्लेम पे बनाना है और चम्मच चलाते रहना है।
इन बातों का आप ख्याल रखें। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है डाल देंगे बचे हुए। तो अभी खीर बनके जो है ना रेडी है फ्रेंड्स, तो मैं स्टोव को ऑफ कर देती हूँ। तो माशाल्लाह खीर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और हमें फीडबैक ज़रूर दें, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आप भी अपने घर पर ट्राई करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।